अभी अभी मीसा भारती ने, अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप बोलते हो मोदी 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 और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं, ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। अभी अभी मीसा भारती ने, अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप बोलते हो मोदी 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 और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं, कभी सांप कभी बिच्छू कभी क्या कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है, ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं? ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा। आप बताइए, मैं फिर से बोलता हूं, लालू सेहत के कारण बेल पर है कि नहीं है, चारा घोटाले में इन्वॉल्व है कि नहीं है, और लोगों से मीसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है? जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शना है क्या? ऐसे लोगों को छोड़ना है क्या? इसको जवाब देने का एक ही तरीका है, 19 तारीख कमल का निशान, आपकी उंगली और ईवीएम का बटन दबना चाहिए और विष्णु पादरे को भेजना चाहिए, यही अंडमान का जवाब होगा, यही हमको रास्ता देना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।